भी आमतौर पे जानते हैं कि जो कोविड के केसेस हैं वो पूरे विश्व में भी बढ़ रहे हैं और भारतवर्ष में भी बढ़ रहे हैं, और जहां तक हमारी ड्यूटी का ताल्लुक है जहां भी कोविड के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं हुआ है, जिसमें सरकार ने नाइट कर्फ्यू जो है वो लगा दिया है, और हमने भी जहां से आर्डर किया है नाइट कर्फ्यू अब शुरू हो गया है। लेकिन हमें जो इस बात की चिंता हो रही है कि जब भी हम बाजार में जाते हैं या शॉप्स पे जो रश देखते हैं, तो वहां देखा जाता है कि नॉर्मली जो है बहुत सारे लोग जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं अपना रहे हैं। हमने जहां डिफरेंट तरीके से इसको इन्फोर्स कर रहे हैं, जहां पेनल्टी की जरूरत है वहां पेनल्टी लगा रहे हैं, और जहां इसको आईसी एक्टिविटीज की जरूरत है उसको भी हम कर रहे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि थोड़ी सी लापरवाही है पब्लिक में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर। आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा सभी दुकानदारों को, शॉपकीपर से जितने भी हैं, चाहे वो मेडिकल शॉप्स हैं या करियाना शॉप्स हैं या ये बस स्टैंड्स हैं जहां और भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, कि ये कोशिश करें कि जो है एक तो भीड़ बहुत कम हो जाए, और दूसरा जो शॉपकीपर्स हैं वो खुद भी मास्क पहने, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, और जो उनकी शॉप्स पे कस्टमर्स आए उनको भी वो इंटरटेन ना करें जब तक वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ना करें। तो हमें मिलजुल कर, जैसे पहले हमने जो कोविड का जहां समस्या थी और जो लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए हमने मजबूर किया था और कुछ लोगों ने वॉलंटियरली किया था, तो मिलजुल कर जो है हमने इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया था। तो अभी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि जो इसका खतरा बढ़ते जा रहा है और लोग जो है आगे आएंगे, जनरल पब्लिक आगे आएगी, और जो ऑफिशियल्स हैं वो अपना काम जो है वो संजीदगी से निभाएंगे, और आने वाले दिनों में हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इसी के साथ जो है मैं मीडिया से भी कहूंगा कि आप भी जो है अपने माध्यम से और अपने चैनल्स के थ्रू जो है लोगों को जागरूक करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, उसी से हम लोग जो है कोविड को फाइट करने में सफल हो सकते हैं। शुक्रिया।